रस्सी से बांध के रखा था हाँ। नारा बंद रखा है व्हाट इज एक्सक्रीशन भाई करके आया क्या लिखा बोल तो रहा आगे का नहीं आया था पीछे का लिख के आया क्या लिखा है दिस इज एक्सक्रीशन है जिंदगी है। Hey guys, welcome back again with my new video. So guys, कैसे आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हूँ फुली और सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस देख रहे हो तबीयत खराब हो रखी है और ऑयल ले रखा है मैंने सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मॉर्निंग से ही तो अभी थोड़ा आराम हुआ है सो भी गया था मैं 4 बजे के आसपास भी उठा हूँ अभी आ रखा है सुमित और सुमित के अभी एग्ज़ाम दे के आया सुमित साइंस का एग्ज़ाम था इसका सो मैंने इससे क्वेश्चन पेपर मंगाया था पूछते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन वगैरह करके आया सेक्शन ए में कितने अटेम्प्ट करने थे 20 साला कितना था व्हाट इज एक्सक्रीशन भाई करके आया क्या लिखा बोल तो रहा आगे का नहीं आया था पीछे का लिख के आया क्या लिखा है दिस इज एक्सक्रीशन साले पागल है यहाँ में मजाक से स्टैंड अप चल रहा है मैंने साफ साफ बोला था कि जो आता है वो लिख दो ये तो कोई भी लिख देगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस का आगे का बताओ ना जितना रहता है ये नंबर देगा वो दे देंगे नंबर घंटा में देगा नंबर देना होगा दे देंगे वाह मेरे चाची लग रही सो गाइस इससे पता लग रहा है ये क्या करके आया पेपर में अभी तो रिजल्ट पता लगेगा रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा इस बार रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा ब्लॉग में रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा इस बार सुमित या फिर तेरे पीटीएम में ही चलूंगा देख रहे हो मैं देखना क्या चल रहा है ये और जल्दी खा देख रहा है कितना खाया है तो वैसे अभी सुमित एक ही बार में 4-5 चिप्स खा गया और इसने ख़त्म भी कर दिया तो वही जल्दी इसलिए खा रहे ताकि मेरा खा सके बताओ भी अच्छा नहीं अभी अभी बड़े अभी दुकान गए थे ना चिप्स लेके आई है देख रहे हो कितने आराम से पापा को उल्लू बनाया जाता है कह रहा मैं तब से पढ़ने पे लगा हूँ सही में ज़्यादा मतलब पढ़ रहा था क्या बोला पढ़ इधर आता भी कहाँ है किताब वो रखी वो अपने आप पढ़ लिएगा वहाँ पे क्या खाने का मन कर रहा है बर्गर खाने का मन कर रहा है खिलाओगे चाय पिला रहा हूँ ना पी चुपचाप यही सुन रहे को बोल रहे थे भाई चाय देख लो मैं नहीं बनाएंगे देख रहे हो तो सुबह चाय पीते हैं और फिर सर दर्द थोड़ा आराम होगा पूरा मूड खराब हो गया सर दर्द की वजह से सो बस अभी अंबर आया था आगे जाने के बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए गोलू और अंबर लग गए दिख रहा होगा उधर सो गाइस अंबर सुमित और गोलू दोनों लगे पड़े हैं लकड़ी तोड़ने में आग जलाने के लिए हम भी चलते हैं आग जलाते हैं उसके बाद सोनी शेखन बुलाया तो उसको था शेखन जल्दी देख इसका देखिए भैया जी इसका बॉडी नाइस किसको मारा मैंने कब मारा मार नहीं रहे थे रस्सी से बांध के रखा था हाँ। नारा बंद रखा है वहाँ
मौज कर दी वाह बेटे वाह मौज कर दी तुमका बॉल लगाते हैं पर दो भाई हैं पर बदमाश भी कम करते हैं फिर से स्टार्टिंग से घर पे ही है घर में तो गाइस का मेरा डांस देखो मैंने तो कौन पे ओए आग में गिर जाएगा वे मैंने तो कौन पे डायलॉग सुना दे अपना अबे अंबर ने मारा चुप हो जाओ किसने मारा ऑपरेशन होगा ऑपरेशन होना क्यों मारता अंबर बच्चों को अरे यार प्यार लो डाल लो दवा दो अच्छा बैडमिंटन मिलेगा चुप हो जाओगे मुझे पिज्जा चाहिए भाई पिज्जा यार बड़ा महंगा आ रहा है यार आज के जमाने में बर्गर चाहिए बर्गर हाँ ठीक है बर्गर नहीं तुम्हें बर्गर मिलेगा कैसे खेलते हैं इसको कैसे खेलते हैं सीढ़ियों पर करके दिखाइए अंबर देखो भाई ये हमने पकड़ा है और ये हमने रखा है ये हमने रखा ठीक है तो ये हमने ऐसे करके भाई कर दिखा कर ये नहीं हो पाया देखो अब मैं करूँगा ये देखो थोड़ा सा हुआ अभी अच्छा मैं समझ सो गाइस आग वाग सेक लिया वापस आ गए हैं घर और हमें तो अब लगा पड़ा है पढ़ने में सुमित अभी पढ़ के उठाया सुमित को गोल ने काम दिया था सुमित ने कंप्लीट कर लिया और गाइस अभी मैं एक दोस्त है मेरा वो आईफोन 12 लेके आया है तो उसका मैंने कैमरा वगैरह चेक किया तो मुझे यार उतना कुछ खास नहीं लगा मतलब मैंने अपने फ़ोन से कंपेयर किया तो बिल्कुल ब्राइटनेस ही नहीं आ रही थी मतलब फ़ोटो वगैरह में तो सही था लेकिन वीडियो में काफ़ी बेकार क्वालिटी थी रात की तो अब दिन का पता नहीं अब मैं कल देखता हूँ दिन में भी चेक करके देखूँगा कल कि वीडियो वगैरह कैसी है क्योंकि अगर सोच रहा हूँ आईफोन लूँ व्लॉगिंग का पर्पज़ से तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सैमसंग M50 बना है मेरा फ़ोन जिससे मैं व्लॉगिंग करता हूँ सारी वीडियोस वगैरह से बना हूँ क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन मैं कह रहा था रील्स वगैरह में क्वालिटी चाहिए तो आईफोन वगैरह की अलग ही बात होती है इसलिए सोच रहा था स्लोमो वगैरह के लिए लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिशियल होगा बाकी देखते हैं कल कि दिन में कैसी क्वालिटी आती है 12 तो देख लिया मैंने बिल्कुल बेकार था रात 14 देखेगी 14 की कहाँ यार वैसे भी लेने का कोई प्लान नहीं था लेकिन सोच रहा था EMI वगैरह पे अगर लेते इन मतलब प्लान बना रहे थे अगर लेते तो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो गया प्लान और यहाँ चल रहे हैं भजन शाम के टाइम भजन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पापा आके ही बंद करते हैं देख लो गोलू कहते हैं सिद्धार्थ के साथ पढ़ा रहा है लेकिन इस बच्चे को जो काम दिया वो बच्चा एक काम नहीं कर रहा सुमित जो क्वेश्चन समझाया वो रिपीट दोबारा रिवीजन अमित देखो कितने अच्छे से पढ़ा अमित भाई आप इतने अच्छे से पढ़ रहे मीडिया आई है वो पढ़ने दे उसे सुबह जी सुमित की हमेशा से आदत है जब भी आता है बोलता है कुछ मंगाने के लिए खाने के लिए घर का खाना अच्छा है तो टैंकर है इसका पेट अभी बार बार एक जिंदगी में पहली बार बोला मैंने तो जो मोमोज खाता है वो क्या कि किसने खिलाया था आज तो किसी भी हाल में बाहर का खाना नहीं मिलेगा भाई रोज रोज थोड़ी बाहर गिनती के 40 रुपए खर्च किए 400 रुपए को कह रहे 40 सुमित और गोलू खा रहे खाना इसके बाद हम खाएंगे खाना अब मुझे वैसे भूख लग नहीं रही शाम में खाया था थोड़ा सो पेट फुल सा है सो खाना खाते हैं फिर चलते हैं ऊपर आज मैं सोच रहा हूँ रात में पढ़ाई भी करूँ इसलिए वाली बुक ले चलते हैं ऊपर सो
तो गाइस खाना खा लिया है, अब चलते हैं ऊपर। सो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ अपने रूम में और आज थोड़ा बहुत कोहरा है क्योंकि आज पहाड़ विजिबल नहीं है, पूरा हल्का हल्का दिख रहा है, ज़्यादा कोहरा भी नहीं है, हल्का है और ठंड भी कल से थोड़ी ज़्यादा है। बस चलते हैं, लगते हैं एडिटिंग पे और पीसी को करते हैं ऑन, और इस पीसी ऑन हो रखा है और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी।